नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आपको एक चीज को ध्यान रखना होगा कि आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर आज शायद आपको हालत बिगड़ते हुए देखने को मिलेगा, मगर फ्यूचर में ऐसे पास्ट में ऐसे नहीं था और फ्यूचर में शायद ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि आज पूरा का पूरा केमिकल सेक्टर के हालत खराब है। केमिकल सेक्टर में गिरावट का माहौल है, इसके चलते इस कंपनी के ऊपर भी बिग फॉल देखने को मिला। अभी मैं जरूर कहूंगा कि इस कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो अगर देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। ऐसे कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखिए, इस बार भी कंपनी रिजल्ट क्या कोई खराब रिजल्ट नहीं आया। कंपनी 1650 करोड़ से 1770 करोड़ के आसपास सेल्स किए, तो अराउंड देखा जाए तो कंपनी के सेल्स बढ़े ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एंड क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में। क्वार्टर में भी देखिए 1730 करोड़ से 1770 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर सेल्स का ग्रोथ अच्छा खासा है और उसी तरीके से कंपनी का एक्सपेंस भी दिखाए तो अच्छा खासा, यहाँ पे एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे और उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 149 से 132 करोड़ के आसपास देखने को मिले। मतलब कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा चेंजेस आए। अभी प्रॉफिट चेंजेस क्यों हुआ, देखिए चीजों को नोटिस करना। कंपनी के ऊपर जो आदर्श इनकम है वो आदर्श इनकम तो है कुछ नहीं, तो कंपनी का इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ा। मतलब कंपनी जो कर्जा लिया उस बेसिस में कंपनी का इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ा, इसके चलते है कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी एक चीज को और भी नोटिस करेंगे कि कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट के हिसाब से कंपनी का रिजर्व जो है वो इस बार भी बढ़ता हुआ देखने को मिले और कर्जा भी इस बार कंपनी अच्छा खासा बढ़ा दिया। मतलब कंपनी से रिजर्व को नहीं बढ़ा, कंपनी कर्जा को भी बढ़ाया, तो कर्जा बढ़ने के कारण कंपनी के ऊपर एक जो मतलब ग्रोथ है वो ग्रोथ कुछ इस तरीके से देखने को मिला। कंपनी का फिक्स एसेट जो है वो भी बढ़ा और उसके साथ साथ सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी के उसके है CWIP। मतलब कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इस बार भी करीबन 1050 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया। अभी देखिए, इतने सारे पॉइंट्स आपको देखकर लग रहा होगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है। अगर मैं यही कंपनी बाकी सारे केमिकल्स कंपनी से कंपेयर करूं तो आप चौंक जाओगे। SRF भी इतना शानदार परफॉर्मेंस नहीं किया, फाइन ऑर्गेनिक, क्लीन साइंस, तो इस तरीके से कंपनी भी इतने शानदार परफॉर्मेंस नहीं किया जिस तरीके से आरती इंडस्ट्रीज ने किया। देखिए, आरती इंडस्ट्रीज बेसिकली एक केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी है और स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर काम करते हैं, और जितने सारे स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर काम करने वाला कंपनी है लास्ट 2 ईयर से वो सारे कंपनीज का जो ग्रोथ है वो डाउन साइड में है। तो जब तक इस ग्रोथ पॉजिटिव में नहीं आए तब तक इस कंपनी के ऊपर जर्नी देखने को नहीं मिल सकता। तो एज ए इन्वेस्टर प्रमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं तो पॉजिटिव हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा वो माल को खरीदारी कर रहे हैं। जितना होल्डिंग्स FS के पास था वो होल्डिंग FS ने 2% बेचा और उस 2% को DS ने खरीदारी किए। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर बड़े एक इंस्टीट्यूशन ने इसका टारगेट एक अलग लेवल में रिड्यूस किया है। जो इसका टारगेट रखा गया है 595 के आसपास, और वो किसने रखा, प्रभुदास लीलाधर ने। तो 595 वो कहाँ तक है, 595 के मतलब है कुछ इस तरीके से लेवल्स में, करीबन करीबन ये जो सपोर्ट लेवल है इस सपोर्ट लेवल तक उनका टारगेट रखा गया है। मतलब उस टारगेट को रिड्यूस किया गया है। क्यों रिड्यूस किया है, जिस तरीके से यहाँ पे फॉलिंग सिचुएशन देखने को मिले तो इस लेवल तक आने का चांसेस है। मैं पहले बोल चुका हूँ, अगर यहाँ से करेक्शन हुआ तो 200 डेज मूविंग एवरेज को वो सपोर्ट लेंगे। शायद उन्होंने इसी लेवल को मार्किंग करके ही उन्होंने इस तरीके से प्राइस को रिड्यूस रखा है। तो देखिए, ये जो टारगेट उन्होंने रखा, मतलब टारगेट का जो रिवर्सल रिड्यूस किया, वो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके ही रखा गया है। तो कंपनी वोलेटिलिटी के हिसाब से चल रहा है, कंपनी के ऊपर खास परफॉर्मेंस जब तक ना दिखे तब तक इस कंपनी के ऊपर कुछ गुड अपडेट नहीं आएगा। तो फिर भी कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया बहुत शानदार है, और इसी शानदार परफॉर्मेंस के कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड का डिसीजन लिया। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना, एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से क्या बना, एक कप विद हैंडप्रेंस बना, और फाइनली कप विद हैंडप्रेंस बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। देखिए, रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए फिर से वो नीचे आ रहा है। तो जो टारगेट लेकर तुम्हें चल रहा है वो एक बड़ा टारगेट है, ऑब्वियसली 900 रुपीज के आसपास, और इसका टारगेट जो है वो प्रीवियस इसका लाइफ टाइम जो हाई है 965 के आसपास, उसी लेवल के नीचे टारगेट बना है।
तो हायर पॉसिबिलिटी है उस लेवल को वो टच करने का कोशिश करेंगे, उस लेवल को वो टच करके यहाँ पे फाइनली वो आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आपके अगर आए जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो फाइनली वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर रिजल्ट आ चुके हैं, जो रिजल्ट के बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा था। आप देख सकते हैं कंपनी के सेल्स इस बार भी देखिए अच्छा खासा देखने को मिला। तो बहुत सारे लोगों का डाउट यही रहेगा कि सर कंपनी का पिछली बार का जो सेल्स है उससे तो कई गुना ज्यादा हो चुके हैं, डबल के आसपास सेल्स हो चुका है। ये तो होगा ही, दिसंबर मंथ में सर्दी का मौसम होता है, उस टाइम कोल्ड ड्रिंक्स बहुत कम बेचा जाता है, तो उस टाइम हमेशा सेल्स कम होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वार्टर आते हैं मार्च का क्वार्टर, वो गर्मी का टाइम होता है, उस टाइम ज्यादा से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स बेचा जाता है, उसके कारण एक पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अभी देखिए सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो कंपनी के सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ आप देखेंगे एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो है वो पिछले सालों की तुलना से इस बार ज्यादा हुआ, पिछले क्वार्टर की तुलना से बहुत ज्यादा हुआ। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना कि पिछले क्वार्टर्स की तुलना से बहुत ज्यादा हुआ, उसके कारण मैं अभी आपको डिस्कशन कर चुका हूँ। अभी देखिए कंपनी के साल भर के जो डेटा है क्या वो एस्टीमेट को बीट कर पाए, तो बेसिकली जो कंपनी का जो एस्टीमेट था उस एस्टीमेट को बीट तो किया मगर उतना ज्यादा खास बीट नहीं किया। अगर ध्यान से इस चीज को देखेंगे कि पिछले सालों में जो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट डबल के आसपास था, और उससे पहले भी देखेंगे तो वहां पर भी डबल के आसपास देखने को मिला है। तो हर साल वो डबल के आसपास कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ करते चले गए थे, और इस बार कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास नहीं हुआ, 440 करोड़ से 540 करोड़ तक, मतलब ऑलमोस्ट 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो डबल से कई गुना कम है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट का ग्रोथ है जो एस्टीमेट किया गया था उस एस्टीमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाए। शायद इसीलिए जेफरीज जो बड़े एक इंस्टीट्यूशन, उन्होंने क्या किया, वरुण बेवरेजेस का प्राइस को एडजस्टमेंट किए, मतलब एक डाउनग्रेड दिया। वो कहाँ तक है, 1480 रुपीज के आसपास। अभी करंट कितना चल रहा है, अभी करंट चल रहा है 1400 मतलब 90 के आसपास, ऑलमोस्ट 1480 रुपीज तक उनका जो लेवल है उसी लेवल के आसपास ही चल रहा है। तो बेसिकली मैंने जो इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लिया कुछ इस तरीके से रेंज बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, तब मैंने एंट्री लिया। उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। अभी इसका आगे कब तक बढ़ेंगे, कहाँ तक जाएगा, उसका तो वो टारगेट जो है वो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ। अभी कब उस टारगेट मिलेगा उसका तो किसी को पता नहीं है, हमें सबको प्रिडिक्शन करके ही चलना पड़ता है। हाँ, अगर यहाँ से मुझे स्टॉप लॉस भी हुआ तो मेरा 1% का स्टॉप लॉस होगा और मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ 3% के आसपास। तो हमेशा मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। अगर आप इसी तरीके से सारी चीज़ों को सीखकर काम करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसको हम लोग हल नाम से जानते हैं, तो कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ था। सर यही कंपनी के ऊपर नहीं, जितने सारे पीसी कंपनी है वो सारे पीसी कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस दिया था हो गया, और उसके पीछे रीजन भी यही है कि गवर्नमेंट का कुछ अनाउंसमेंट कंपनी को बहुत ज्यादा पुश देखने को मिले। तो बेसिकली शानदार तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस है, और देखा जाए तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है उस बेसिस में देखा तो कंपनी के सेल्स का ग्रोथ बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। 5600 करोड़ से कंपनी के ऊपर जो सेल्स का ग्रोथ है 6000 करोड़ तक देखने को मिला, मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी के यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखने को मिले हैं। एक्सपेंस देखा जाए तो कंपनी के मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव है। अभी ये देखना है कि कंपनी इस बार किस तरीके से रिजल्ट करने वाले हैं। उसके लिए आपको झलक दिखा दूँ कि 27,000 करोड़ से कंपनी 28,000 करोड़ तक कंपनी के सेल्स को लेकर आए। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,800 करोड़ से 6,000 करोड़ तक देखने को मिला, मतलब बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, क्योंकि बेसिकली देखा तो कंपनी एक बहुत शानदार तरीके से एक सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, एक शानदार तरीके से ग्रोथेबल कंपनी बनने का चांसेस है, ऑलमोस्ट बन चुके हैं और भी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग तो होगा ही। कोई भी इकोनॉमिकली कोई भी कंट्रीज का ग्रोथ होता है तो डिफेंस सेक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। हाँ, कुछ वीकनेस भी है, जैसे कंपनी का सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ तो खास था, अभी करंट ईयर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी खराब हो चुका है, तो एक थोड़ा सा वीकनेस है। इस वीकनेस के कारण शायद कंपनी के ऊपर एक करेक्शन का मूड देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर जो मैं टेक्निकली चार्ट पढ़ने के ऊपर काम कर रहा हूँ उसके बेसिस में काम दिखाने से पहले मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर एक बात मैं आपको बता दूँ, कंपनी 52 वीक का हाई फिर से ब्रेकआउट कर चुके हैं, और जो UBS के ऊपर जो 20% का अपसाइड जो टारगेट था उनका, वो टारगेट को इजीली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो उनका टारगेट कितना था,
5200 के प्राइस के हिसाब से उन्होंने टारगेट रखा था। तो 5200, अभी 5200 तो बहुत बड़ा टारगेट है, उससे पहले उन्होंने एक टारगेट रखा, उन्होंने ये भी कहा कि जो करंट जो प्राइस है उस प्राइस से कंपनी का जो टारगेट अभी उन्होंने रखा है 28% के आसपास, वो कहाँ तक है, 5200 के आसपास। तो बेसिकली इस टारगेट होगा कि नहीं होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा, फिलहाल के लिए जो सिचुएशन बना है मुझे लगता है अच्छा खासा एक जर्नी यहाँ पे कंपनी मुझे दे चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से रेंज क्रिएट हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, मैंने टेल लिया और शानदार तरीके से टारगेट के लिए मैंने होल्ड किया, और मुझे लगता है वो इजीली वो टारगेट को अचीव करेंगे। और टारगेट अगर अचीव हुआ तो मुझे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो टारगेट मिलने वाला है वो 31% के आसपास। मैं हमेशा इस तरीके से ट्रेड के ऊपर 1% का स्टॉप लॉस एंड 3% का टारगेट लेकर चलता हूँ। अगर मुझे स्टॉप लॉस होता तो कितना स्टॉप लॉस लेकर मैं चल रहा था, करीबन 10% के आसपास, और टारगेट कितना लेकर चल रहा हूँ, 30% के आसपास। तो यही होते हैं इन्वेस्टमेंट का पावर एंड ट्रेडिंग का पावर। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, सीख कर काम करिए, कोई भी चीज़ों को ब्लाइंडली मत करिए। ऐसे नहीं कि आप किसी भी कंपनी के ऊपर टूट पड़े हैं तो बहुत बड़ा आपको नुकसान झेलने का चांसेस भी मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। तो जल्द से जल्द मोतीलाल ओसवाल 1:3, सॉरी 3:1 का रेशियोज के हिसाब से बोनस देने वाला है। तो बोनस का डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो कंपनी 3:1 का मतलब है हर एक शेयर के बदले आपको 3 शेयर देने वाला है। तो बोनस कब मिलेगा उसका कोई अपडेट अभी तक नहीं आया, जब आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये था कुछ कंपनीज के इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।